भगवा कुर्ता नेताओं वाला अंदाज, पत्नी के बाद रविंद्र जडेजा भी करेंगे राजनीति में एंट्री। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जामनगर उत्तर से भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की बीबी रिहबा अवावा जडेजा को टिकट दिया है। वही गुजरात के चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी जामनगर उत्तर की सीट से रिबावा जडेजा ने नामांकन भरा था और इस दौरान रिबावा के पति और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भी मौजूद थे। बता दें, जडेजा भी कर सकते हैं पॉलिटिक्स में एंट्री। पत्नी रिबावा के पर्चा दाखिल करने से पहले जडेजा ने लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की। वही जडेजा ने इस दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि मुझ में अभी भी 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है। बता दें कि इसके बाद भी पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा। सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन, रिबावा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचती है और नामांकन किया है उन्होंने। वे आपको बता दें कि जडेजा यहाँ दूसरी वक्त बैठे साफ नजर आए। वही साथ ही आपको बता दें कि जामनगर से खान कनेक्शन से रिबावा का जामनगर से खास कनेक्शन है। उनका ज्यादातर समय राजकोट और जामनगर में भी है। वही आपको बता दें, जडेजा की बहन नयनावा जडेजा फिलहाल जामनगर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। पहले बीजेपी ऑफिस गए थे, उसके बाद नामांकन से पहले रिबावा और रविंद्र जामनगर में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन चुनावी तैयारियों को देखते हुए किया गया। चर्चा में बनी रहती थी रिबावा। नामांकन से पहले यहां काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद ही रिबावा ने नामांकन दाखिल करने वहां पर पहुंची। रिबावा टिकट मिलने से पहले भी जामनगर के भाजपा से जुड़े राजनीतिक कार्यक्रम में देखी जाती थी। पीएम मोदी का लिया था नाम और एनबीटी के संवाददाता ने जब टिकट के बारे में रिबावा से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड 2015 में पीएम मोदी से मिले थे और उसके बाद ही 2019 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की। 200 गांव में बतौर कार्यकर्ता घूमी, मेहनत से टिकट मिली, उन्होंने कहा।